माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मास फूड कॉर्नर। फ्रेंड्स, अभी रमज़ान भी चल रहे हैं और बहुत तेज़ गर्मी भी पड़ने लगी है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे मैं पुदीना और नींबू की एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी शिकंजी लेकर आई हूँ, जो सिर्फ आप 2 मिनट में ही रेडी कर सकते हैं और इस भयंकर गर्मी से बच सकते हैं। ये पेट को आपको बहुत ही पेट में ठंडक देगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। आइए बनाते हैं हमारी टेस्टी हेल्दी शिकंजी। इसके लिए यहाँ पर मैंने करीब 30 से 40 जो है पुदीना के पत्ते ले लिए हैं, और उसको हम डंठल से अलग हटा के और पत्तियाँ अलग करके रख लेंगे। पहले इस तरह से हम ऑपोजिट डायरेक्शन में पत्तियों को निकालेंगे तो आसानी से हमारी पुदीने की पत्तियां जल्दी निकल जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने सारी पत्तियों के डंठल को अलग कर लिया है और इसे अच्छे से हम साफ धो लेंगे। और अब एक मिक्सी का मैं जार ले रही हूँ छोटा, उसके अंदर ये हमारी जो पुदीना की पत्तियाँ हमने धोकर रखी है वो ले लेंगे। और इसमें मैं करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून पीसी हुई शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और करीब 1/4 टीस्पून में इसमें काला नमक डाल रही हूँ। काला नमक से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास काला नमक ना हो तो आप रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं। और इसमें सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून हम पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे अच्छे से फाइन। अभी हमारा पेस्ट जो है बिल्कुल रेडी है। इसे आप स्टोर करके फ्रिज में 1-2 दिन के लिए रख भी सकते हैं अगर चाहें तो। अब यहाँ पे मैंने ये नींबू की स्लाइस निकाल ली है, इससे हम हमारे जो है एकदम रिफ्रेशिंग ड्रिंक को डेकोरेट करेंगे। और अब मैं ग्लासेस ले लिए हैं मैंने 2, और उसमें मैं करीब 1 टेबल स्पून एक एक ग्लास में नींबू का रस डाल लूँगी फ्रेश। आप चाहें तो जो हमने पुदीना पीसा था उसके साथ भी आप नींबू का रस डाल सकते हैं। यहाँ दोनों ग्लास में मैंने नींबू का रस डाल दिया 1-1 टेबल स्पून। अब जो हमने हमारा पुदीना का मिश्रण पीस कर रेडी करके रखा था वो भी इसमें हम करीब 2 से 3 टेबल स्पून दोनों में डाल देंगे, और बर्फ़ अपनी पसंद के हिसाब से इसमें डालेंगे। और एकदम ठंडा ठंडा पानी इसमें हम डाल लेंगे और पानी डाल के इसे हल्का सा चम्मच से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने नींबू की स्लाइस और पुदीना हमने थोड़ी सी गार्निश के लिए पत्तियाँ ले रखी थी वो भी हम इसमें गार्निश कर देंगे। और बढ़िया हमारा एकदम रिफ्रेशिंग और पेट को ठंडक देने वाला ड्रिंक रेडी है। आप चाहें तो इसमें जो सोडा वाटर आता है पानी की जगह वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसलिए पानी ही बेस्ट है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए मम्मास फूड कॉर्नर। थैंक यू।